हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है JK स्टडी YNS। तो आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं नवरात्रों की। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। आज के हमने क्वेश्चन लिए हैं कंप्यूटर सेक्शन से, टॉप 40 क्वेश्चन लिए हैं। आप बताना मुझे कि कैसे लगे जी, बेसिक लेवल के हैं आपके, 35+ तो ठीक होने ही चाहिए। फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द डेवलपर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के डेवलपर कौन है? तो ऑप्शन दिए गए हैं सुंदर पिचाई, चार्ल्स बैबेज, जेम्स क्यूनी, बिल गेट्स। तो उसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा, आप सभी का को ये पता होगा, चार्ल्स बैबेज के द्वारा कंप्यूटर डेवलप किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं कम्युनिकेशन पर्सन टू ईच अदर, कॉमनली मेन्यू, परमानेंट एजुकेशन रिसर्च, कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन, पर्पसली यूज फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशन रिसर्च, जनरल नॉलेज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आने वाला है कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन, पर्पसली यूज फॉर टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन रिसर्च। नेक्स्ट नेक्स्ट है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन कंप्यूटर इज, स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा है डाटा का कंप्यूटर में? ऑप्शन दिए हैं MB, GB, बाइट, बिट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा आपका? तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है जो बिट है, ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CPU, सिर्फ CPU की फुल फॉर्म पूछ रहा है। ऑप्शन दिए गए हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सेलुलर प्राइमरी यूनिट। तो आप सभी को पता होगा इसका आंसर, इसका रहेगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ए पार्टी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट है, विच इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर हम किसे कहते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं ALU, CPU, मेमोरी या माउस। तो क्या रहेगा आपका करेक्ट ऑप्शन? तो करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है आपका CPU को कहते हैं हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ये आज के क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक लेवल के रहने वाले हैं आपके कंप्यूटर सेक्शन के। तो आई होप आपके 35+ तो ठीक होने ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सी एग्जाम्पल की जो एग्जाम्पल है सॉफ्टवेयर की नहीं? ऑप्शन दिए गए हैं MS वर्ड, क्रोम, माउस या नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा आपका? तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है आपका जो आपका माउस है, माउस इज द करेक्ट आंसर, ये सॉफ्टवेयर की एग्जाम्पल नहीं है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, हाउ मैनी कंप्यूटर जनरेशन आर देयर, कितनी कंप्यूटर की जनरेशन है अभी तक? ऑप्शन दिए गए हैं 2, 3, 4, 5। तो सभी को पता होगा इसका करेक्ट आंसर 5 है आपकी जनरेशंस। नेक्स्ट नेक्स्ट है, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन का टाइम पीरियड कब से कब तक था? ऑप्शन दिए गए हैं 1946 टू 1959, बी है 1948 टू 1961, सी है 1952 1960, डी है 1956 टू 1967। तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा आपका ए पार्ट, यानी 1946 से 1959 तक था फर्स्ट जनरेशन का पीरियड। नेक्स्ट, इन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर विच टेक्नोलॉजी वॉज यूज, फर्स्ट जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई? ऑप्शन दिए गए हैं ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब्स, ICs, BLSI। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा आपका? आप सभी को बता होगा फर्स्ट जनरेशन में आपकी वैक्यूम ट्यूब्स यूज हुई, सेकेंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में इंटीग्रेटर ट्रांजिस्टर और फोर्थ में वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटर, जिसे फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर भी हुए थे डिवेलप। नेक्स्ट नेक्स्ट है, वट इज द फुल फॉर्म ऑफ KB इन मेमरी, KB की फुल फॉर्म क्या है मेमरी में? ऑप्शन दिए गए हैं 9 वाइट, नी वाइट, किलो वाइट या किलो इट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा किलो वाइट। नेक्स्ट,
वन के वी इज इक्वल टू, वन के वी किसके इक्वल है? ऑप्शन दी गई हैं 1000 बाइट, 1 MB, बोथ ए एंड बी, या 1024 बाइट्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा आपका डी, व्हाट दैट इज 1024 बाइट। नेक्स्ट वन, हाउ मैनी मेमरीज आर देयर? ऑप्शन दी गए हैं 2, 3, 4, 5। तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा दो ही टाइप की मेमोरी है आपके पास। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ वोलाटाइल मेमोरी? तो वोलाटाइल मेमोरी की कौन सी एग्जाम्पल है? ऑप्शन दिए हैं प्राइमरी रैम, सेकेंडरी रोम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा आपका? तो प्राइमरी मेमोरी की आपकी कौन सी है? रैम है। प्राइमरी नहीं, प्राइमरी मेमोरी, वोलाटाइल मेमोरी आपकी रैम है। नेक्स्ट वन, रैम, रैम इज स्टैंड फॉर, रैम की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन दिए हैं रीड एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, बोथ ए एंड बी, या नन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा आपका? इसका रहेगा आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं हम रैम को। नेक्स्ट वन, विच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस? इनमें से कौन से इनपुट डिवाइस की एग्जाम्पल है? ऑप्शन दिए हैं कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, या ऑल ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा आपका? तो इसका करेक्ट ऑप्शन आने वाला है ऑल ऑफ दिस। कीबोर्ड भी आपकी इनपुट है, माउस भी, स्कैनर भी। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैलिड मेजरमेंट यूनिट ऑफ मेमोरी? तो कौन से है, के बी, एम बी, जी बी, या ऑल ऑफ दिस? तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा आपका ऑल ऑफ दिस। के बी की फुल फॉर्म किलो बाइट, मेगा बाइट और गीगा बाइट है फुल फॉर्म इनकी। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट है, हाउ मैनी एरो कीज आर इन द कीबोर्ड? कितनी एरो की है कीबोर्ड में? ऑप्शन दिए गए हैं 4, 3, 2, 1। तो आप सभी को पता होगा कि कंप्यूटर कीबोर्ड में 4 एरो कीज होती हैं, ऐसे बनना होता है इनका, ऐसे ऐसे करके होता है कीबोर्ड पे। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन है, हाउ मैनी कीज आर ऑन कीबोर्ड? कितनी कीज होती हैं कीबोर्ड पे? ऑप्शन दिए गए 100, 104, 108 या 110। तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा आपका 104। नॉर्मल कीबोर्ड में होती हैं, अभी जो न्यू न्यू कीबोर्ड आ रहे हैं उनमें से उनमें ज़्यादा भी हो सकती हैं कीज, लेकिन जो आपके यूज़ किए जाते हैं मैक्सिमम उनके पास 104 कीज ही होती हैं। नेक्स्ट वन, द पार्ट ऑफ सी पी यू विच परफॉर्म ऑल मैथमेटिक ऑपरेशन इज कॉल्ड? उसे हम क्या कहते हैं जो मैथमेटिकली ऑपरेशन परफॉर्म करता है? ऑप्शन दिए गए हैं सी यू, मेमरी, एल यू, या रजिस्टर। तो क्या करेक्ट ऑप्शन रहेगा आपका? इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ए एल यू, जिसे हम कहते हैं अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, जो आपका रजिस्टर है ये मेमरी में ही आता है। सबसे फास्ट वाली मेमोरी होती है। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर शट डाउन द कंप्यूटर? शट डाउन कंप्यूटर के लिए कौन सी शॉर्ट की यूज़ करते हैं हम? तो ऑप्शन दिए हैं कंट्रोल प्लस F4, अल्टर प्लस F6, कंट्रोल प्लस F3, या अल्टर प्लस F4। तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा आपका अल्टर प्लस F4 यूज़ करते हैं हम कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट है, बट इज द शॉर्टकट की फॉर रिफ्रेशिंग द कंप्यूटर? रिफ्रेशिंग करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करते हैं हम कंप्यूटर को? ऑप्शन दिए गए हैं F5, F6, F3, F4। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा आपका? हम यूज़ करते हैं F5 शॉर्टकट की रिफ्रेश करने के लिए। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वोलाटाइल मेमोरी? इनमें से कौन से एग्जाम्पल है वोलाटाइल मेमोरी की? ऑप्शन दिए गए हैं SRAM, DRAM, ROM, या D बोथ ए एंड बी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा आपका बोथ ए एंड बी। इसकी फुल फॉर्म होती है स्टैटिक रैम रेंडम एक्सेस मेमोरी, और दूसरे की होती है डायनेमिक रेंडम एक्सेस मेमोरी।
तो उसी जो रोम है इसकी हो जाएगी रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट वन, ये दोनों रैम की टाइप्स हैं। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द यूज ऑफ कंट्रोल प्लस जेड की। कंट्रोल प्लस जेड जी जो की होती है उसका क्या यूज होता है। ऑप्शन ये हैं, फॉर अंडू, फॉर कॉपी का, फॉर पेस्ट या फॉर डिलीट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा आपका फॉर अंडू करने के लिए यूज होता है कंट्रोल प्लस जेड का। नेक्स्ट है, व्हाट इज द यूज ऑफ द की शिफ्ट प्लस डिलीट। शिफ्ट प्लस डिलीट की हम किस लिए यूज करते हैं, यूज़ क्या है उसका। ऑप्शन दिए गए हैं, फॉर टेम्परेरीली डिलीट, फॉर परमानेंट डिलीट, फॉर बैकअप या नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, इसका करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है हम परमानेंट डिलीट के लिए यूज़ करते हैं शिफ्ट प्लस डिलीट को। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया। आप सभी को पता तो होगा सुपर कंप्यूटर कौन सा है, इंडिया का परम है, लेकिन कौन सा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा परम 8000, परम 8000 इसका करेक्ट रहने वाला है। नेक्स्ट वन, विच इज़ द मोस्ट कॉमनली लैंग्वेज यूज्ड इन वेब डिज़ाइन। कॉमनली लैंग्वेज कौन सी है जो वेब डिज़ाइन में यूज करते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, सी बी ऑप्शन है, सी प्लस प्लस, पी एच पी या एच टी एम एल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा आपका, तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है वेब डिजाइनिंग में HTML काम आती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट वन, हु इज ऑल्सो नोन है फादर ऑफ कंप्यूटर। फादर ऑफ कंप्यूटर तो सभी को पता होगा, ये चार्ल्स बैबेज को कहते हैं, जो आपके बिंट चर्फ है इसे हम क्या कहते हैं, ये इन्हें हम इंटरनेट का फादर कहते हैं। नेक्स्ट वन, विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज लैंग्वेज इन एंड्रॉयड एप्लीकेशन। इनमें से कौन सी कॉमनली लैंग्वेज है जिसे हम एंड्रॉयड एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, पी एच पी, सी प्लस प्लस, सी या जावा। तो 29 का ऑप्शन होगा डी वर्ड ही, जावा यूज करते हैं हम। नेक्स्ट वन, वेयर आर सेव्ड फाइल स्टोर्ड इन कंप्यूटर। सेव्ड फाइल कहाँ पे स्टोर होती है कंप्यूटर में। ऑप्शन दिए गए हैं, रैम, कैशी, हार्ड डिस्क या एनी ऑफ द अबव। तो इस सभी का इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा आपका हार्ड डिस्क में स्टोर होती है ये। नेक्स्ट वन, ये आपकी कैशी मेमोरी होती है, ये फास्ट होती है लेकिन सेकेंड नंबर पे होती है। फर्स्ट नंबर पे जो आपका रजिस्टर होता है सबसे फास्ट मेमोरी होती है रजिस्टर, फिर कैशी मेमोरी आती है। नेक्स्ट वन, विच ऑपरेशन आर परफॉर्म्ड बाय रैम। कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करता है रैम। ऑप्शन दिए गए हैं, रीड एंड राइट आएगा इधर, कर लीजिएगा राइट, रीड एंड राइट, रीड बाइट नहीं आएगा, राइट आएगा, राइट राइट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा आपका ए पार्ट, रीड एंड राइट करता है। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग इज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कौन सा है इनमें से। ऑप्शन दिए गए, रैम, हार्ड डिस्क, डायोड या सेमी कंडक्टर। तो क्या करेक्ट ऑप्शन रहेगा आपका, हार्ड डिस्क है ये, सेकेंडरी स्टोरेज है आपकी। नेक्स्ट वन, रैंडम एक्सेस मेमोरी इज विच टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस। तो कौन सा है, ऑप्शन दिए गए आपको, करेक्ट ऑप्शन रहेगा आपका प्राइमरी है ये। नेक्स्ट वन, सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ऑप्शन दिए गए, बैकिंग ट्यूब्स, डायोड्स, बी एल एस आई माइक्रो प्रोसेसर या ट्रांजिस्टर। तो सेकेंड जनरेशन में कौन से थे आपके पास, आपके पास थे ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट वन, व्हाट इज यूज टू मेक कंप्यूटर चिप्स। कंप्यूटर चिप्स को किससे बनाते हैं हम। ऑप्शन दिए गए हैं, सिलिकॉन, स्टील, कॉपर, आयरन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा आपका सिलिकॉन यूज करते हैं हम उनमें से। नेक्स्ट वन, मेगाबाइट इज इक्वल टू। मेगाबाइट किसके इक्वल टू होती है। तो ऑप्शन दिए गए हैं, इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा आपका बी वाट, दैट इज 1024 किलो वाइट के इक्वल होती है।
नेक्स्ट, विच डिवाइस अमंग द फॉलोइंग इज यूज फॉर सेंडिंग डिजिटल डाटा ओवर अ फोन लाइन, तो कौन सा करता है? ऑप्शन दिए गए हैं यू एस बी स्कैनर मॉडम प्रिंटर, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा आपका? इसका करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है मॉडम करता है आपका। नेक्स्ट वन, इन बैंकिंग रेलवेज एक्स्ट्रा बीच कंप्यूटर आर यूज, ऑप्शन दिए गए हैं मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर या मेन फ्रेम कंप्यूटर। जो आपके बैंकिंग रेलवे में यूज़ होते हैं, कौन से कंप्यूटर होते हैं? वो होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज़ करते हैं हम। नेक्स्ट वन, विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सा सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑप्शन दिए गए हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या फर्मवेयर सॉफ्टवेयर, तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट वन, हाउ मैनी बिट्स मेक्स वन बाइट, कितने बिट्स से वन बाइट बनती है? तो ये बनती है 8 बिट्स से। आप सभी को पता होगा कि वन बाइट जो 4 बाइट है इक्वल टू होती है बिट 1 निब्बल के, और 2 निब्बल होती है इक्वल टू कितने होती है ये 1 बाइट के। इधर बाइट आएगा बी वाई टी। नेक्स्ट वन, ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो, इफ़ यू लाइक सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो प्लीज़ गाइस। जय हिंद जय भारत।